99% बोलिए लोगों को जी। ये पता नहीं होता कि आपको आपके घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यदि आप भी आपके घर में शिवलिंग स्थापित करने का सोच रहे हैं या जी आपके घर में पहले से शिवलिंग है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपको आपके घर में कौन से शिवलिंग रखने चाहिए, उनकी हाइट क्या हो सकती है और बोलिए किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश पटेल और आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि शिवलिंग का घर में होना जरूरी है या जरूरी बिल्कुल नहीं है। क्या आपको घर में आपके प्रतिमाएं रखनी चाहिए? क्या आप भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, यदि हम देवताओं की बात करें या भगवान की बात करें तो ब्रह्मा विष्णु और महेश में से सबसे ज्यादा दयालु यदि किसी को माना गया है तो वो महेश ही है, यानी भगवान शिव। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और वो बहुत दयालु भी बहुत है। आपने कई लोगों से ये कहावत भी सुनी होगी कि बाबा एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। भगवान शिव आपके एक लोटे जल में भी खुश हो सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक भगवान को खुश करना नहीं, बल्कि ये जानना है कि आप किस प्रकार के शिवलिंग को घर में रख सकते हैं। देखिए, इस चीज को मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अपने घर में भगवान शिव का शिवलिंग रख सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन शिवलिंग को आपके घर में रखने से पहले उन्नाव के ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। वो ये कहते हैं कि यदि आपको आपके घर में शिवलिंग रखना है तो आप नर्मदा नदी के शिवलिंग को रख सकते हैं, यानी नर्मदा नदी से जो शिवलिंग निकलता है उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वो घर के उपयोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ज्योतिषाचार्य जी ये कहते हैं कि यदि आप अपने घर में शिवलिंग लेकर आ गए हैं और वो नर्मदा नदी का है या कहीं और से आप शिवलिंग लेकर आए हैं, तो उसको आपको किसी घर के कोने में नहीं स्थापित करना है। घर के किसी कोने में शिवलिंग स्थापित करने से आपको वास्तु दोष या कई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिषाचार्य जी ये भी कहते हैं कि आपको आपके घर में शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए और शिवलिंग का स्थान एक जगह से दूसरे जगह पर बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग को घर में रखकर उसका रोज अभिषेक कर सकते हैं और यदि आपको शिवलिंग का स्थान किसी वजह से चेंज करना पड़ रहा है तो आप ठंडे दूध और गंगा जल से उसको स्नान करके पूजा पाठ करके उस शिवलिंग का स्थान चेंज कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य जी ये भी कहते हैं कि यदि आपने अपने घर में शिवलिंग को स्थापित किया है या आप अपने घर में शिवलिंग को लेकर आए हैं तो उसे कभी भी अकेले नहीं रखना चाहिए। माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति भी उसके साथ रखनी चाहिए और कभी भी भूलकर आपको तुलसी के पत्ते भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। अब आप कई जगह पर ये चीज़ देख सकते हैं कि भगवान शिव का शिवलिंग आपको आपके घर में नहीं रखना चाहिए। देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं हैं। हमारे वैदिक पुराण और कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं क्योंकि शिवलिंग में तेज ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि आप उसकी घर पर अच्छे से केयर नहीं कर सकते, इसीलिए शिवलिंग को आपके घर में नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।